बिहार के भोजपुर जिले से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हुआ हमला। खुद सत्तारूढ़ दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर हुआ हमला बहुत कुछ बयां करता है। बहुत दरअसल कुशवाहा बक्सर से पटना लौट रहे थे कि इसी दौरान भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नयका टोला के पास से गुजरते समय काफिले पर हमला किया गया। हमले में बाल बाल बचे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन गाड़ी को हुई है क्षति, इसकी जानकारी खुद उपेंद्र कुशवाहा ने दी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपेंद्र समर्थक हमले के बाद हमलावरों से भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से आपसी झड़प भी हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। हालांकि मौके पर स्थानीय जगदीशपुर थाना पहुंच मोर्चा संभाला, लेकिन इस घटना के बाद उपेंद्र समर्थकों में घोर आक्रोश और नाराजगी है। हमलावर और उपेंद्र समर्थक के बीच का संघर्ष का वीडियो भी सामने आया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने खुद हमले की जानकारी दी है।